इकानमी पे तवज्जो दें, चाइना से कुछ सीखें। चाइना अब आपका फ्यूचर चाइना के साथ अटैच है। स्टॉप लुकिंग एट द IMF एंड स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका। अमेरिका ना आप, क्योंकि यू आर इररेलेवेंट नाउ आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, और अमेरिका इज कंप्लीटली ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब अमेरिका आपसे बात करेगा आपके भारतीय नेबर से पूछ के, तो आप अपना डायरेक्शन चाइना की तरफ रखें और CPEC को आगे लेकर आए और कोशिश करें कि इस दफा वो आपसे नाराज ना हो, करप्शन कम हो CPEC के प्रोजेक्ट्स में। रुक तो नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ वो DNA में जा चुकी करप्शन, कोशिश करें कि वो कम हो और चाइनीज जो वहां से लोग आए CPEC उनकी हिफाजत भी करें। मेरे ख्याल में इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इफ यू डू दैट। उसके बाद सऊदी अरेबिया, अगर आप चाइना के साथ रहते हैं, सऊदी अरेबिया विल बिल्ड अ रिफाइनरी इन ग्वादर और UAE इज इंटरेस्टेड इन CPEC एज वेल। तो मेरे ख्याल में दैट विल बी द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो सभी तभी हो सकेगा ये इसके ऊपर लेड रखें, ये जहां हांडी पक चुकी। तार साहब ये बताएं कि ये जो बात की जा रही है कि मिलिट्री जो है वो 1952 के आर्मी एक्ट के तहत लोगों को ट्राई कर रही है, एक बात रिसेंटली ये भी हुकूमत ने कही है कि ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ के फौज को और निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जैसे ही एयरपोर्टों पे उतरेंगे इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। आपको लगता है कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कि इससे जो है बाहर से जो पैसा आ रहा था उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि लोगों के अंदर नफरत पैदा होगी कि हमें जो है पाकिस्तानी स्टेट इस तरह ट्राई करेगी? ये जो अभी बात रिसेंटली हुकूमत ने, FIA ने कहा है कि जो हुकूमत पे इस तरह गैर जिम्मेदारी से जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और अनारकी फैला रहे हैं उनको हम मार्क करके उनको एयरपोर्ट्स पे गिरफ्तार करेंगे। सो इसको पाकिस्तान की स्टेट को देखे, पॉलिटिकल ओपिनियन रखना एक अलग बात है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे जाना मैं समझता हूं दैट इज रॉन्ग। कोई भी पाकिस्तानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर होता नहीं देख सकता, लेकिन अगर जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था मैं इतनी डेली बेस पे, ये माजी की गलतियां थी, ये पिछले, ये सिर्फ मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये लाडलापन जो है आपको रोकना होगा कहीं ना कहीं से। कहते हैं हर मर्ज की दवा होती है, आपको ये दवाई, कड़वी दवाई आपको देनी पड़ेगी। चाहे एयरपोर्टों पे रोकें, चाहे इनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएं, चाहे इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएं, लेकिन आपको ये कड़वा घोंट पीना पड़ेगा, उसके बगैर स्टेटें नहीं चल पाती। तो अगर जो भी गलत बंदा कर रहा है, खासकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे अफवाज को, मैंने बताया था कि सिर्फ ओनली इंस्टीट्यूशन लेफ्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ इज अ पाकिस्तान आर्मी। अगर आर्मी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लेकिन अगर आर्मी ये जिस तरीके से भी हो, इनको सख्त, मैं हमेशा ये कहता था चीमा साहब कि ये कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, ये सख्त फैसले करने होंगे और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, हमारे आर्मी चीफ कर सकते हैं और उनको करने होंगे और लोगों के पीछे जाना होगा, इनको बताना होगा कि पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव। यू हैव टू प्रूव इट दैट पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव, पाकिस्तान स्टिल हैज अ फ्यूचर रिगार्डलेस हाउ। यू हैव टू टेक द डिफिकल्ट स्टेप्स। और उसमें मैं समझता हूं कि 2-4 को पकड़ेंगे, हमारी कौम इतनी काबिल है 2-4 को देख के पीछे हट जाती, आगे नहीं जाते। ये लड़ाइयां करने वाली कौम नहीं है, लड़ते, मैंने हमेशा कई दफा कहा कि ब्रिटिशों के खिलाफ कितने लड़े थे, मुगलों के खिलाफ कितने लड़े थे, कोई नहीं लड़ते, ये छुप के उसी वक्त हार बना लेते हैं तो फौरन गले में डाल लेते हैं, सिर्फ ये एम ए शोशा के लिए। ये कौम लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। तो थोड़ा सा जरा मैं समझता हूँ कि you already have done the 80% of the work, 20% वर्क रह गया, बस जल्दी जल्दी इनको सजाएं दें और इकानमी पे तवज्जो दें और CPEC पे तवज्जो दें। अच्छा तार साहब ये बताएं कि ये जो अभी सारा प्रोसेस चल रहा है जिसमें लोगों को सजाएं भी देंगे और सारा कुछ भी करें, कहा जा रहा है कि जो बैरूने मुल्क हैं वेस्टर्न चाइना, ये जो है ये चाहते हैं कि फौज सर्वाइव करे, फौज इस क्राइसिस से सर्वाइव करे, और अगर ये जो ह्यूमन राइट्स और मीडिया शीडिया इसको हल्का फुल्का वो क्रिटिसाइज कर देंगे। आपको लगता है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो चाहते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए फौज बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर है, उसको सपोर्ट किया जाए एज कम्पेयर टू द पॉलिटिकल एक्टर्स जो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये आर्गूमेंट कैसे लगता है सर? चीमा साहब, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कोई बैरूनी ताकतों के लिहाज से दो ताकतें, खासकर एक ताकत तो माइनस कर दें अमेरिका वाली। ये पाकिस्तान में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है कि शायद अमेरिका ही एक बैरूनी ताकत है, हर जगह जो CIA जो है वो हुकूमतें तब्दील करता फिर रहा है, ये बिल्कुल आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त अमेरिका में, अगर अमेरिका के बारे में आपको इतना डाउट हो तो सऊदी अरेबिया को बचा लेता, चाइना के साथ न जाने देता। चाहे अगर अमेरिका इतना स्ट्रांग होता तो ब्राजील, अपने बैकयार्ड के अंदर ब्राजील में चाइना आ चुका है, उनको रोक लेता, अर्जेंटीना रोक लेता, मैक्सिको रोक लेता, ये सारी चीजें हो जाती है। यूक्रेन वार में भी अमेरिका लूज करता नजर आता है। इतने स्ट्रांग होते तो अफगानिस्तान में $85 बिलियन का असला फेंक करना भागते अमेरिका, अब आपको अमेरिकन ख्वाब देखने, मुझे पता है क्योंकि डॉलर बहुत गए हैं और आपको वो खर्च पड़ते हैं उसके, लेकिन मेरा ख्याल है आप डॉलर आपको भूलने पड़ेंगे और आपका फ्यूचर इज ओनली अटैच विद चाइना राइट नाउ। और मैं समझता हूँ कि चाइना में जाएंगे आप तो साथ रशिया के साथ, वो पार्ट ऑफ द पैकेज मेरे ख्याल दोनों आजकल इकट्ठे हैं। दैट विल बी अ गुड डिसीजन। दूसरी मैं ये बात बताना, जिस तरह चीमा साहब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद इंस्टीट्यूशन पाक आर्मी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सलाहियत रखती है। एक वाहिद एक इंस्टीट्यूशन है जो चार सूबों को इकट्ठा रख सकता है। एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान का जिस तरीके से भी दफा करना की सलाहियत रखते हैं वही रख सकते हैं, और कोई इंस्टीट्यूशन आपका वो कहते पंजाबी में सबूता नहीं रह चुका। जुडिशरी आपकी बिल्कुल डन ओवर। अब मैं कुछ, बल्कि मैं अगले दिन उससे बात कर रहा था, मुझे जिसने बात किया, मैंने कहा, उसने कहा नहीं जी आप क्या कहते हैं सिर्फ फौजी इंस्टीट्यूशन है। मैंने कहा नहीं, रेलवे भी है, पीआईए भी है, जुडिशरी भी है, ले आओ इनको, ये चला सकते हैं अगर कोई चीज तो। ये टाइम पर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, टाइम पर गाड़ी नहीं चला सकते, इन्होंने क्या करना है? काटे जा रहे हैं, सारा पाकिस्तान काटे जा रहे हैं भाई। ये कोई इंस्टीट्यूशन, या तो फिर आर्गू करो ना, नहीं जी तार साहब आपकी गलत बातें कर रहे हो पाकिस्तान आर्मी के बारे में, वो कि उसको जी सपोर्ट क्यों करें। तो फिर पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान का सोचना है तो पाकिस्तान आर्मी का सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं हमेशा चीमा साहब ये कहता रहा हूं कि आर्मी को भी चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, 2018 की गलतियां एक्सेप्ट करें, अपने प्रोजेक्ट को ओन करें, इसको रैप अप करें। आप ही ने बनाया था, आपकी जिम्मेदारी है इसको रैप अप करना, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है ये। और प्लेइंग लेवल फील्ड भी आपने खराब किया था, उसको ठीक करें। आप ही ने पनामा में से अकामा निकलवाया था, तो आप उसको ठीक करें इसको, तब इलेक्शन कराएं। इलेक्शन इलेक्शन रोजाना कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था इलेक्शन में, अब उसको बराबर करके दें, वो किस तरह करेंगे? मुझे ये बताएं कितना अरसा नवाज शरीफ जेल में रह गए, मरियम नवाज को किस तरह जेल में गई है, जितना अरसा शहबाज शरीफ, जरदारी साहब कितना अरसा जेल में रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ना जमहूरी तकाजे पूरे होते हैं, ना इखलाकी तकाजे हैं, ना ये इसका कोई असूल बनता है। और इस वक्त मैंने जिस तरह बताया आपको कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैंने आपको बताया, देखें कि खान साहब की बात सुबह करते हैं, शाम को उसको चेंज कर लेते हैं, तो फिर आप किस तरह डील करेंगे उनसे? द प्रोजेक्ट यू हैव डन इट इज नॉट वर्किंग समहाउ, यू हैव टू गो टू द प्लान बी नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए थी सब पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए। और ये जो एक एनवायरनमेंट दिया गया था इमरान खान साहब को, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जिसे हम कहेंगे, ये इसने जारी बात है, और इनको लाडला बना के पेश किया गया। वही लाडलापन हमारी रियासत को जो है आज गले पड़ गए। और बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल एक दफ़ा सही कहा था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो अदारे हैं, उनको स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाने का बड़ा शौक है। वही बात